अब हम बात करते हैं टू की, कि अगर कोई भी नंबर के यूनिट स्पेस पे टू हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, तब हम कैसे उस नंबर का यूनिट्स डिजिट पता करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है 42 to the power of 574, इसका हमको यूनिट्स प्लेस बताना है कि इस नंबर के यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा। तो चलिए एक पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 का यूनिट्स डिजिट जब पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या पैटर्न वो फॉलो करता है। 2 की पावर अगर 1 हो, सिर्फ 1, तो होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 हो जाता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, जिसका यूनिट्स प्लेस 6 होता है। तो मैं 16 की जगह सिर्फ 6 ले देता हूँ। हम सिर्फ यूनिट्स प्लेस की बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ यूनिट्स प्लेस से ही मतलब है। वैसे ही 2 to the power 5 होता है 32, जिसका यूनिट्स प्लेस हो गया 2, 2 to the power 6 हो जाएगा 64, जिसका यूनिट्स प्लेस हो जाएगा 4, 2 to the power 7 हो जाएगा 128, जिसका यूनिट्स प्लेस हो जाएगा 8, वैसे ही 2 to the power 8 हो जाएगा 256, जिसका यूनिट्स प्लेस हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आप रिपीटेशन देखिए कि कहाँ कहाँ पैटर्न्स रिपीट हो रही है। हमने शुरुआत की 2 से, फिर आए 2, 4, 8, 6, फिर इसके बाद फिर से सेम पैटर्न रिपीट होने लगी 2, 4, 8, 6। उसके बाद आप पावर बढ़ाते जाइए और ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा। इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि 2 के फोर्थ पावर पे 6 आ रहा है, और जैसे जैसे ये फोर्थ पावर बढ़ते जा रहा है वो हमेशा 6 ही रहेगा। जैसे कि 2 to the power 4 का यूनिट्स प्लेस 6 है, 2 to the power 8 यानी 2 to the power 2 into 4 उसका यूनिट्स प्लेस भी 6 है, वैसे 2 to the power 3 into 4 उसका यूनिट्स प्लेस भी 6 होगा, 2 to the power 4 into 4 उसका यूनिट्स प्लेस भी 6 होगा। वैसे या 4 के मल्टीपल में बढ़ते जाइए तो उसका यूनिट्स प्लेस हमेशा 6 ही आएगा। तो ये पैटर्न देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 to the power 4n इसका जो यूनिट्स प्लेस होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। ये चीज मैं इस पैटर्न को देख के समझ सकता हूं, और आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं 2 to the power 9, 2 to the power 10, 2 to the power 11, 2 to the power 12, और जैसे आप 2 to the power 12 पे पहुंचिएगा तो उसकी वैल्यू जो होगी उसका यूनिट्स प्लेस 6 होगा। तो कहने का मतलब बस ये कि 2 to the power 4 का मल्टीपल अगर कुछ हो तो उसका यूनिट्स प्लेस 6 होता है। अब जैसे हमको ये नंबर दिया था और इसका यूनिट्स प्लेस हमको फाइंड करना है, पहले स्क्रीन थोड़ी सी साफ कर लेते हैं हम। अब इसका यूनिट्स प्लेस हमको फाइंड करना है, इस बेस का यूनिट्स प्लेस है 2, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके पावर को 4 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि मेरा क्वोशेंट क्या आ रहा है। तो अगर मैं 574 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 42 to the power 4 into 143 into 42 to the power 2। 4 into 143 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 572, और 2 हमारा रिमाइंडर बच गया है तो 42 to the power 2 हम लिखते हैं, क्योंकि 572 प्लस 2 हमारा 574 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए अब ये जो है नंबर इसका यूनिट्स प्लेस है 2, ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लियरली लिख लें और इससे कंपेयर करने का कोशिश करें। तो 42 to the power 4 into 143 into 42 to the power 2। अब मुझे पता है कि अगर 2 की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल हो तो उसका यूनिट्स प्लेस 6 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट्स प्लेस 2 है, इसका पावर जो है 4 का मल्टीपल है 4 into 143, तो इस नंबर का, इस पार्ट का जो यूनिट्स प्लेस होगा वो 6 होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमारे पास ये बच गई, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस है 2, जिसका पावर है 2, 2 2 होता है 4, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो यूनिट्स प्लेस होगा वो 4 होगा। अब हम दोनों के यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6 4 24, जिसका यूनिट्स प्लेस है 4। यानी क्या कि अगर मैं इस नंबर का यूनिट्स प्लेस पता करना चाहूं तो उसका यूनिट्स प्लेस 4 हो जाएगा। तो यहां पे चलिए इस बात को लिख देते हैं, चेंज द पावर
इन मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर एंड चेक, और फिर आप चेक कर लीजिए।